आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचल कुछ ऐसी चल रही है जिसमें बड़ी बड़ी पार्टी इस समय परेशानी में आ चुकी है। बड़ी बड़ी पार्टियों की अगर बात करूं तो यहां पर बीजेपी जहां पर अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लगातार लेकर घिरी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों के बाद यहां पर बैकफुट पर आ रही थी जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए थे। खैर, यहां वो बयान नहीं, यहां मामला कुछ और है। मामला ये है कि राहुल गांधी का यहां पर जो लोकसभा की सदस्यता होती है वो रद्द कर दी गई है। कारण कि राहुल गांधी ने सन 2019 में एक बयान दिया था, उसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा हुआ था और ये मामला गुजरात की सूरत कोर्ट में चल रहा था। उस पर कल फैसला आया और फैसले के बाद यहाँ पर राहुल गांधी को 2 महीने की सजा सुना दी गई। सजा के बाद यहाँ पर हालांकि जमानत मिल गई है और 1 महीने का समय अपील के लिए दिया गया है, पर उसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हानि हुई है, हानि केवल और केवल यहाँ पर सजा का मात नहीं है, यहाँ बात है कि राहुल गांधी की सदस्यता यहाँ पर रद्द हो गई है, जिसके बाद लगातार जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। राहुल गांधी जिसने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी छवि को बेहतर करने और कांग्रेस में संजीवनी फूंकने का प्रयास किया था, और देखा भी जा रहा था जिस तरह विपक्ष लगातार इसको लेकर कह रहा था कि हाँ, राहुल गांधी यहाँ पर एक बेहतर कोशिश करते नजर आ रहे हो, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष भी इस यात्रा को लेकर लगातार परेशान सा नजर आ रहा था। हालांकि परेशानी उन्होंने जाहिर नहीं की थी, पर कहीं ना कहीं 3570 किलोमीटर की यात्रा, 150 दिनों की यात्रा राहुल गांधी या कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ पर संजीवनी के रूप में सामने आ रही थी। राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में जिस तरह से यात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे, लोगों का जुड़ता हजूम बता रहा था कि कांग्रेस की जो उपलब्धि है वो इस यात्रा के माध्यम से और बेहतर हो रही है। कांग्रेस जिसने देश पर रसको राज किया, वो कांग्रेस जिसने तमाम तरह के आयाम प्रस्तुत किए, वो कांग्रेस जो फिलहाल यहाँ पर हानि में है, परेशानी में है। क्यों? कारण यहाँ पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हालांकि ये पहला मामला नहीं, इसके पहले तमाम मामले ऐसे हुए हमारे देश में। अगर हम बात करें आजम खां की सदस्यता को लेकर उत्तर प्रदेश में, उनके लड़की अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को लेकर, या अभी हाल में ही खतौली पर जिस तरह चुनाव हुआ, वहाँ पर विक्रम सैनी जो कि वहाँ के विधायक थे भाजपा से, उनकी सदस्यता को लेकर सदस्यता रद्द की गई थी। उसके बाद चुनाव हुए और वहाँ पर मदन भैया जो कि रालोद और सपा के प्रत्याशी थे वो जीत कर आए थे। खैर, सजा हुई और एक नए तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो रद्द होती गई चली गई, और रद्द होने के बाद यहाँ पर समस्या आ रही है पार्टियों के लिए। खैर, उसके बाद यहाँ पर लोगों के बयान आने भी शुरू हुए, कि लोगों का कहना था कि जानबूझ के किया जा रहा है, अगर बीजेपी में इस तरह का चलन होगा और सजा मिलना शुरू होगी तो आधी बीजेपी खाली हो जाएगी, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि ये मैं देख रहा हूँ कि क्या किसके साथ हो रहा है और निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है, पर क्या करें, अब नियति ऐसी बन चुकी है, व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जिसको लेकर लगातार इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हम राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद जो स्थिति हुई है वो आपके सामने है। फिलहाल राहुल गांधी का वो बयान सुनते जो उन्होंने दिया था, जिस पर मामला दर्ज हुआ था। इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हमको लेना तो ये हमने वो बयान सुना जिस पर राहुल गांधी का मुकदमा चल रहा था और 23 मार्च 2023 को यहां पर यानी कल सजा हो गई थी। उसके बाद आज लोकसभा की सदस्यता से उनको हाथ धोना पड़ा। कांग्रेस का बड़ा चेहरा और कांग्रेस की जो एक आधार राहुल गांधी, उनकी यहाँ सदस्यता रद्द हो गई, यानी जो कांग्रेस का बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोकसभा में, फिलहाल अब उससे कांग्रेस को वंचित रहना पड़ेगा। हालांकि अपील होगी, अपील के बाद क्या स्थिति होगी, सजा होगी या उस पर विचार होगा या हो सकता है राहुल गांधी बरी कर दिया जाए, पर फिलहाल जो स्थिति है वो ये है, सजा हो गई और स्थिति ये है कि उनको जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई। फिलहाल इस मामले पे विपक्ष यानी सत्ता पक्ष का विपक्ष सपा, आप और तमाम लोग क्या बयान है वो सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब यह गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, यह लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर राहुल गांधी को नुकसान हुआ है, नुकसान कांग्रेस को हुआ है और नुकसान उस व्यवस्था को हुआ है जो लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 में यहां पर चुनौती बनने वाली है। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण मेहमान जो रूबरू करानू, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, दिलीप यादव राजनीति में अपनी बात रखेंगे, केसी जैन भारतीय जनता पार्टी के फायरमैन प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे और तरुणा श्रीवास्तव प्रवक्ता आपसे अपनी बात रखेंगे। आप सभी मानो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल लगा प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह से। विनोद भाई, भारत जोड़ो यात्रा, संकल्प, कैनबरा यूनिवर्सिटी में बयान, उसके बाद यहां पर दूसरी व्यवस्था, फैसला, सजा, जमानत, अपील की 30 दिन की मोहलत और उसके बाद 5वां घटनाक्रम, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई लोकसभा की, लेटर जारी हो गए हैं और जब तक शीर्ष अदालत में वहां से उनको दोष सिद्धि या सजा की व्यवस्था खत्म नहीं होती है तब तक वो अयोग्य रहेंगे
उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। और ये स्थिति कब तक जारी होगी, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर मानहानि का जो मुकदमा दर्ज हुआ था उससे कांग्रेस को हानि हो गई है, कैसे देखते हैं आप? जी गौरव जी, आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि देश में जो वस्तु स्थिति इन्होंने बना रखी है नीतिगत नाकामी को लेके, नियत की कालेपन को लेके, नासमझी को लेके, अगर इनके इनसे कोई सवाल करता है किसानों का, इनसे कोई सवाल करता है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, इनसे कोई सवाल करता है भारत के भविष्य के प्रति आप क्या आकार, क्या रोल मॉडल, क्या पैटर्न देना चाहते हैं, उस पर नीतिगत कोई सुझाव देता है, तो ये सरकार तानाशाह सत्ता के दंभ में चूर मदमस्त सरकार है। अच्छा। जो सब कुछ रौन देना चाहती, रौन दिया है वो, केवल उसको केवल अपना समर्थन, अपना जुमलेबाजी, अच्छा, अपना मिथ्या प्रचार के माध्यम से अपनी वाहवाही, एक कल्ट लीडरशिप की बात, और अगर कोई जनता की बात, जो उनके सवालों को लेके ले चुनौती बनने का, इनको कोई लगता है कि कोई ऐसा विकल्प बन जाएगा जो इनके लिए चुनौती पूर्ण होगा, तो उसको किस प्रकार से, एक एक कहावत राजनीति में बड़ी प्रचलित है और सबको लोग ख्याल भी रखते हैं, लोकलाज का तो इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, परवाह नहीं। हाँ, शिष्टाचार से कोई दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। अच्छा। तो इस प्रकार से ये सरकार पूरी तरीके से, आज देश के लोग, इनके अंदर हिटलर की आत्मा है, इनके अंदर सभी क्रूवेल निर्दयी असंवैधानिक कृत्य करने वाले, दंभ से भरे हुए, घमंड से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, नेताओं वाले नहीं, नेताओं का जो बता रहे हैं। अब ये केसी जैन तो इसको सद्गुण के रूप में ही लेते हैं, इसीलिए इसका बचाव भी करेंगे। अच्छा, बचाव भी करेंगे। देखिए, अर्थ का अनर्थ इसीलिए हो रहा है, किसी खबर वाले पूछे, मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अर्थ का अनर्थ क्यों हो रहा है, ये स्थिति आखिर क्यों है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत बात करके, और अगर कोई सही बात करेगा तो वो गलत है, और इनकी गलत बात, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। हमारे देश में ये हमारा भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, अगर कोई बात किसी खिलाफ की जाती है तो उसको अधिकार है कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाए। ठीक, बात कही, मानहानि का मुकदमा दिया, ये हमारा अधिकार हमको मिलता है, संविधान अधिकार हमको देता है। ठीक है, उसके बाद सजा यहां पर सूरत कोर्ट ने दी, कोर्ट ने दी, वो बीजेपी ने सजा नहीं दी, कोर्ट ने सजा दी। उसके बाद सजा के बाद यहां पर अपील करने का अधिकार भी कोर्ट ने दिया, जमानत भी कोर्ट में दी। तो यहां पर अगर आप इस तरह बोल रहे हैं तो इस समय ख्याल से आप न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने यहां पर सदस्य रद्द की है। ठीक है, पर इस पूरे घटनाक्रम में जहां पर चार जगह कोर्ट इन्वॉल्व रहा है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि दंभ में बीजेपी सरकार, क्या कोर्ट बीजेपी का था? देखिए, दोनों चीजें पूरी तरीके से अलग हैं। जहां तक कोर्ट के सम्मान की बात है, कोर्ट के के समक्ष कोई मामला है, मैं बता रहा हूं, तो वो कानून के आलोक में साक्ष्यों के आधार पर उस पर मेरिट पे फैसला होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा सचिवालय का, लोकसभा का सचिवालय का ये काम, ये कृत्य एक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, किसानों को सुर देने के लिए, भारत में भारत के मर्म को, महत्व को समझते हुए, लोगों को एक उनके अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए, एक नई भावमय भारत यात्रा के माध्यम से, देखिए सारी बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, निराशा है, कुंठा है, क्योंकि उनके सीधे सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये जानबूझ के कराया गया। लेकिन इससे कलंकित क्या होता है गौरव जी, आज 21वीं सदी के भारत में ये जो ये कृत्य कर रहे हैं, ये ये बदनाम कर रहे हैं भारत को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको पता है विक्रम सैनी भी तंग दिली वाले लोग, आपको पता है विक्रम सैनी उत्तर प्रदेश से खतौली से विधायक थे, उनको सजा हुई थी, उनकी सजा रद्द हुई, वहां चुनाव हुए, मदन भैया जीत कर आए, उसको लेकर भी बीजेपी में बताएंगे दम है बीजेपी में, अपने ही विधायक को यहाँ पर सजा दिलवा दी, अपने ही विधायक को यहाँ पर, अरे अपने विधायक, अपने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रियों को तो इन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने के लिए बात कर ली जब कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई, तो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसमें नहीं बात जाइए आप। अच्छा, अगर इस तरीके की बात कार्रवाई अगर हानि हुई कि नहीं, 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 इस पैरामीटर को आधार बना के अगर ये बात करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, उसमें किसी की विधानसभा सभा की बात और लोकसभा की सदस्यता नहीं बची
ही रहेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अच्छा, लेकिन अपने लोगों के लिए दूसरे दलों से भी लोग अगर आए हैं, इनके पास चले जाते हैं, तो किस प्रकार से उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसमें ढील दी जाती है, धीरे धीरे करके उसको गुम कर दिया जाता है, भूल जाया जाता है। अच्छा। लेकिन विपक्ष का एक जिम्मेदार बड़ा नेता, और मान्यवर माफ करिएगा, आप किसको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते हैं। अच्छा। किसी नेता को किसी परिप्रेक्ष्य में क्या बोला गया, ये देश के एक लोकस्वर के नायक बन के भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख डाल के संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से सवाल करने वाले नेता के लिए इस प्रकार की बात, इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का कार्रवाई, ये भारत के लोकतंत्र की मूल्यों को पूरी तरीके का हनन है। अच्छा। और इसके भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं नहीं, जो इन्होंने किया है उसका चौगुना नुकसान इनको होगा, देश की जनता माफ नहीं करेंगे। खत्म कराने चाहिए, कोर्ट की बात अलग है, नहीं होना चाहिए लोकसभा, जनता मुकदमे जनता के लिए हो, नहीं नहीं नेताओं के लिए ना हो। अरे आप बताइए ना, किस पार्टी में इस तरीके के नेता है नहीं जिन पर ऐसे बयानबाजी का, तो आप बात रखिए, बात नहीं चल रही है। नहीं नहीं, और रही बात जहां तक कोर्ट में, कोर्ट भी दोनों पक्षों को सुन के कोई कार्रवाई करता है, फैसला करता है। पिछले 2014 से किस प्रकार की कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन देश की जनता बड़े सचेत होके सब कुछ आप भूल जाते, बसी न्यायपालिका ने आपको 30 दिन का समय भी दिया और जमानत भी देख रही है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कोर्ट के इस बहाने को, इस जजमेंट को आधार मान के इतना लोकतांत्रिक काम करेगी। अच्छा। इतना अनर्थकारी काम करेगी, ये भारत की जनता इनको माफ नहीं। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है कैसे भाई, बहुत दर्द है। आप लोग बहुत दम से भरे हुए हैं, आपकी सोच खराब है, और आप विपक्ष की छवि को खराब करने का और विपक्ष के नेता को यहाँ पर अलग खत्म करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, पर होगा नहीं, क्योंकि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। बोलिए क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं गौरव जी, इतना ही नहीं कहा हमारे अभी कांग्रेस के साथी ने जी, उन्होंने कहा भारत का अपमान हो गया जी, भारत देश लज्जित हो गया। अच्छा। राहुल गांधी को सजा हो गई, तो मतलब राहुल गांधी भारत देश के संविधान, भारत देश की न्यायपालिका, भारत देश की कार्यपालिका, भारत देश की जो एक जनसामान्य की जो एक न्यायालय के प्रति एक आस्था है, उस सब चीजों से ऊपर है राहुल गांधी। तभी कहा जाता है कि राहुल गांधी जी तो राजकुमार है भाई, और राजकुमार सबसे ऊपर है, उसके लिए कुछ हुई तो उसके लिए ना कोई सजा हो सकती है ना उसके लिए भारत देश बड़ा है। अच्छा। भारत देश का अपमान हो गया बता रहे हैं राहुल गांधी को सजा हो गई, तो कांग्रेस के साथ ही देखिए, न्यायपालिका सबके लिए बराबर है, वो चाहे रिक्शे वाला हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अच्छा। न्यायपालिका यही देखता है आप किस पद पर है और आपका सरनेम क्या है, सरनेम के आगे गांधी लगा है तो आपको आपके 100 आपके 7 खून माफ, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा। सर ने गांधी लगाया है तो आपके 7 खून माफ। अच्छा, किसी बोले 14 के बाद न्यायपालिका में प्रोसीडिंग खराब चल रही है, 14 के बाद, यही चीज तो कुछ कर देगी न्यायपालिका। कांग्रेस को कोई भी चीज को कहने में कोई शर्म नहीं। अच्छा, शर्म नहीं उनके लिए, राहुल गांधी सर्वोपरि है। अच्छा। राहुल गांधी के विरुद्ध अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई, राहुल गांधी चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया, राहुल गांधी की पार्टी अगर किसी प्रदेश में चुनाव हार जाए तो उस प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र अगर बहाल करना है तो चुनाव जिता दीजिए, अगर कानून को बचाए रखना है, अगर आपको ये सिद्ध करना है कानून बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी को, राजकुमार जी को कोई सजा ना हो कहीं पे भी, उनकी सारी बातें मान ली जाए। अच्छा। तब तो लोकतंत्र भी खतरे में नहीं है। अच्छा। तब न्यायपालिका भी अच्छी है, तब कार्यपालिका अच्छी, विधायिका भी अच्छी है, सदन के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस राहुल गांधी जी को सबसे ऊपर रखिए, ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मंशा है, लेकिन ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, लोकतंत्र इस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। हाँ, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस ने एक ऐसा प्रशासन बना के रखा कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की, इतनी अमर्यादित टिप्पणी थी कि जितने लोगों के नाम के आगे मोदी लगा है, सारे की सारे हरामजादों को, इस तरीके की भाषा सुने, चुप रहिए सुनिए, मैं सुन रहा था, धैर्य से सुनिए, जवाब लीजिए, अपनी बारी में बोलिए। देखिए, इनके लिए राहुल गांधी से ऊपर कोई नहीं है। अच्छा। अगर राहुल गांधी गाली दे रहे हैं एक समुदाय विशेष को, एक जात विशेष को, तो ये आंख में आंख डालकर जनता की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं, नाम लेके कहा नरेंद्र मोदी
सबसे बड़े चोर है, आप सिद्ध कर पाए, आप एक मुकदमा लिखा हुआ है उनके खिलाफ, आप कोई कार्रवाई कर पाए उनके खिलाफ, कोई एविडेंस ला पाए उनके खिलाफ, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कांग्रेस सदन के अंदर सदन के बाहर सड़कों पर कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सिद्ध कर पाई है? और नरेंद्र मोदी जी को कहे तब भी ठीक है, प्रधानमंत्री को कहे तब भी ठीक है, लेकिन पूरे समुदाय को कह देना चोर कि मोदी सर ने मतलब चोर है, यानी अगर चार ब्राह्मणों के खिलाफ किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है 376 का, तो क्या सारे के सारे ब्राह्मणों को आप बलात्कारी कह देंगे क्या? अगर चार क्षत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है तो आप क्या सारे क्षत्रियों कह देंगे सारे क्षत्रिय हत्यारे हो गए क्या? आप समुदाय विशेष को कास्टिज्म के आधार पर, सरनेम के आधार पर दोषी नहीं सिद्ध कर सकते, कटघरे में नहीं खड़े कर सकते सबको आप। एक तरफ यही कांग्रेस कहती है कि मुसलमान हो रहा आतंकवादी हो रहा नहीं है, जबकि जितने आतंकवादी मिलते हैं सबके सब मुसलमान होते हैं, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है सारे मुसलमान आतंकवादी, लेकिन जितने मोदी हैं जिनके आगे मोदी लगा है उनको सबको चोर कह सकते हैं, इनको चोर कहने का अधिकार है। और उसके बाद में अगर न्यायालय सजा देता है, 2019 में इनके खिलाफ मुकदमा फाइल हुआ जी, 2019 से लेके 2030 तक वकीलों की फौज खड़ी कर दी जी, जैसे राम मंदिर बनने के विरोध में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी और डेट पे डेट ले रहे थे कि नहीं इसको 2-4-5 साल के लिए पेंडिंग कर दिया जी, वैसे इस मुकदमे को बहुत पेंडिंग किया। अच्छा, लेकिन जब निर्णय हो गया तो अब मिर्ची लग रही, तिलमिलाट हो रही है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा की इसलिए सजा हो गई। अच्छा, और ये सब बातें तो छोड़िए, ये सब बातें तो ही हैं, लेकिन अब न्यायपालिका पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे 5 साल में आप कैसे मुकदमा लड़े जी? आप एक एक आप एक सांसद हैं, कई बार के सांसद आप रह चुके हैं, और उसके बाद में एक तो अमर्यादित टिप्पणी, 2018 में आपने माफी मांगी थी, आपको माफ कर दिया गया था, 2019 में फिर आपने वही किया, लेकिन किया तो किया, आपके वकील क्या कर रहे थे 5 साल से? आप बचा नहीं पाए राहुल गांधी जी को, चले ठीक है, इतने वकील खड़े इतने लंबे लड़ने के बाद, और न्यायालय ने आपको 30 दिन का टाइम भी दिया, हो सकता है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय आपकी सजा कम कर दे, हो सकता है सजा बढ़ा भी दे, क्योंकि कई मामलों में हम लोगों ने देखा है 500 और 376 के मामलों में बढ़ते भी है, 376 और 501 के मामलों में हम लोगों ने देखा है कि जब लोग अपील में गए हैं उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने तो जो सजा थी लोअर कोर्ट की उसको बढ़ा दी, कहा जघन्य अपराध है, तो यहां बढ़ेगी क्या? तो सजा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये तो न्यायालय का अधिकार है, ये तो न्यायालय का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका को हमेशा कटघरे में कांग्रेस खड़ी करती है। भाई मत बोलिए, भारत देश अगर सजा बढ़ जाएगी बोलेंगे आप ही लोग बढ़वाए, मत बोलिए, ठीक है, मत बोलिए आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप बोल लोगे तो यहाँ बोलेंगे आप लोग बढ़वाए, ठीक है। देखो भाई अभी आप मुस्कुरा रहे थे किसी भाई की बात पर, कैसे देखते हैं पूरे मामले में? केसी भाई बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, और भाजपा के चंद प्रवक्ता ऐसे हैं जो रियल में तकरीर करते हैं, मतलब डिबेट करते हैं, ये वकील भी है जी। लेकिन ये जब राहुल गांधी को सर्वोच्च संप्रभु घोषित कर रहे थे कि संगठन से पार्टी से कार्यपालिका से, अब मीडिया क्या न्यायपालिका, अब तो उन्होंने कहा कि देश से भी बड़ा घोषित करते जी। तो वास्तव में ये सहनशाहे हिंद की बात कर रहे थे, और उस पे मुझे बिहार के एक बड़ी शख्सियत थे नागार्जुन, तो नागार्जुन ने कालिदास का मेघदूतम जब पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि ये कालिदास तो केवल प्रतीकों में बात कर रहा था, क्योंकि बड़ी क्लासिकल रचना है, तो उन्होंने कहा रियल में जो यक्ष है वो नहीं रो रहा था। अच्छा। उन्होंने बताया था कि कालिदास तुम सच सच बतलाना, यक्ष रोया या तुम रोए थे। अच्छा। तो वास्तविकता ये है कि वो यक्ष एक कैरेक्टर प्रतीक था, रो कालिदास रहे थे। अच्छा। और हम इनको बहुत धन्यवाद देंगे कि भारत में किस तरह से निर्वाचित निरंकुश तंत्र स्थापित हो चुका है। अच्छा, और सहनशाह हिंद मतलब अभिव्यक्त की आजादी हो। हाँ। भाई दिल्ली सहन हिंद एक ही है, उसका सहनशाह एक ही है, तो सहनशाह हिंद जो मोदी साहब हैं इस समय गद्दी पे, उन्होंने किस तरह से कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका की सर्वोच्च शक्तियां ले ली हैं, सबको ले लिया, तो ये उनका बड़ा अच्छा वर्णन किया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देंगे। सुनिए मैं डिबेट पे आता हूँ, क्योंकि संयोग से अच्छे व्यक्ति हैं तो डिबेट स्तरीय हो जाएगी। देखिए इसके ये वकील हैं और समझेंगे भी, क्योंकि पहला मसला तो लीगल है, बाकी पॉलिटिकल किया जाएगा।
तो ये इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून तो अपना काम करेगा ही, गलत बोले हैं, लेकिन इसमें कुछ सवाल है जी। जैसे ये मसला कोलार कर्नाटक का है। अच्छा। कर्नाटक में भी भाजपा की इस समय तो ऑपरेशन लोटस से सरकार भी है। अच्छा। तो ये मुकदमा तो वहां क्यों बोलते हैं, मुझे बताइए। जैसे वहां भी मुकदमा हो सकता था, चलिए उन्होंने तीन लोगों का नाम लिया था, नीरव मोदी, ललित मोदी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और वो उन्होंने स्पष्ट भी किया है जब ये सुनवाई के दौरान कि हम मोदी जाति के बारे में नहीं किए थे, तीन लोगों के संदर्भ में कहा था। तो दो तो करने लायक ही नहीं थे, नीरव ललित, बचे आदरणीय प्रधानमंत्री। वो अभियुक्त तो प्रधानमंत्री जी अपने नहीं गए, और वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है जिसने ये याचिका दायर की है, वो भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे, विधायक रहे या क्या रहे हैं, मतलब ये है कि बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे केसी भाई जानते हैं कि पैरवी कैसे की जाती है। अच्छा। एक पैरवी 1400 करोड़ रुपया लेके मेहुल चौकसी चले गए, इंटरपोल का जो नोटिस था उनके खिलाफ, लुकआउट नोटिस, आज उससे हम हाथ धो बैठे, तो वहां लचर पैरवी की गई जी। और उसका खामियाजा भोगा गया, मतलब देश की अर्थव्यवस्था भोगेगी। और दूसरा, यहाँ पैरवी में जो उतावलापन उन्होंने दिखाया, पहले न्यायाधीश, उनको अधिकार है याचिका, मतलब जो याचिका करता है कि वो न्यायाधीश की पीठ या मतलब कहिए कि उसका टेबल बदलवा लें, और उन्होंने बदलवाया जी। और उसके बाद जो सुनवाई लास्ट में हुई, जो न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दिया है 15 मिनट में, आमतौर पर इस तरह की जो परंपरा है ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन की जीरा होती है, एक अच्छी चीज जो उसमें हुई कि राहुल गांधी से फिर भी याचिकाकर्ता साहब ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, हम तैयार हैं, वापस ले लेंगे जी। तो अब चूंकि मैं केसी भाई अन्यथा ना ले, लेकिन जिस पार्टी से आज ये संबंध हो गए हैं तो समाजवादी विचारधारा के रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन उनकी तारीख ही माफीनामा की मुखबिरी की है। अच्छा। तो अब उन्होंने कहा कि माफी मांग लो, तो वहां जो राहुल गांधी ने बड़ा काम किया इस मार्च के महीने में, चूंकि मार्च का महीना हिंदुस्तान की तारीख का थोड़ा भी इल्म किसी को होगा जी। तो इसी गुजरात में 1922 में जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था और चौरी चौरा के बाद घटनाएं घटी और महात्मा गांधी पे एक जो है 6 साल का, चूंकि वो उस समय रोलेट एक्ट था तो उसके प्रावधानों से 6 साल की सजा अंग्रेजी अदालत ने दे दी, उनसे भी यही कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए। तो उन्होंने भी यही शब्द कहा था। अच्छा। कि अदालत की मतलब दया की भीख हमें नहीं चाहिए, हमने गलत कहा ही नहीं, गलत लिखा हरिजन में, वो सजा मतलब झेल लिए। भगत सिंह का भी यही केस था मार्च में ही 1931 में, उन लोगों ने भी यही कहा। तो इसलिए एक अच्छी चीज जो राहुल गांधी ने कही, सर देखिए पद तो आता जाता रहता है, लेकिन उन्होंने ये जो काम कर दिया उससे ये निश्चित हो गया कि इस देश में जो गांधी की परंपरा है, भगत सिंह की परंपरा है, वो अभी है। राहुल गांधी 2018 में तो माफी मांगे। अच्छा, दूसरी मैं बात बता दूं अभी इस केस में, सुनिए सुनिए, अरे मैं आपको बता रहा था कि आप कैसी भाई, अगर ये कह रहे हैं, अगर इन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात कही, अगर हम बोलने लगेंगे तो आपको डिबेट डिलीवर हो जाएगा, कहने में क्या दिक्कत है। सुनिए, अगर इन्होंने कहा है मोदी जी के बारे में, सुनो के सिवाय समाज के बारे में, जब आपका नंबर आएगा बोलना, नहीं तो हम यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे, फायदा क्या, आप बोलिएगा, पूरी विनम्रता से सुनेंगे। मैं दूसरी चीज और बता दूं कि जो जल्दबाजी हुई है, जिस खतौली का नाम भाई साहब ले रहे थे गौरव जी, निर्णय आने के 27 दिन बाद, क्या बात, जब जयंत चौधरी लेटर लिखे सतीश महाना को, तब याद आया हुजूर को जी। और वहीं हमारे जो संगठन के जिन लोगों को शिकार बनाया गया है, सपा नहीं लिखी थी, चाहे वो किसी भी मसले पे अब्बास अंसारी रहे हो, इरफान सोलंकी रहे हो, आजम चाचा या उनके लड़के रहे हो, स्वतः संज्ञान में लेके आप सहयोगी लिखे थे, मतलब लेटर इशू कर देते हैं। तो अब ये सवाल है ना कि एक तरफ स्वतः संज्ञान में लेके त्वरित कार्यवाही हो रही, तो यहाँ 30 दिन का समय था। हाँ। और जो हमारी पीठाधीश्वर है, हाँ, स्पीकर महोदय है, हाँ, वो इसको इतनी जल्दबाजी का क्या मतलब था। अच्छा, अच्छा, अब ये मैं बता दूं कि भाजपा जो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहें कि अगर बात यहाँ चलेगी इस तरह, तब तो पूरा सदन खाली हो जाएगा। अच्छा। चूंकि हम गांधी नेहरू विनोबा के दौर में नहीं है लोहिया के, चूंकि व्यक्तिगत तौर पे हर पार्टी के लोग हमला करते हैं और चुनाव में तो लाक्षणिक भाषा बोला जाता, आप तो इसी प्रदेश के हैं मित्र, मैं आपको याद दिलाऊं हरदोई के चुनावी सभा में जी। यही प्रधानमंत्री जी कहे कि हमें समझ में नहीं आता कि आतंकवादी साइकिल का उपयोग क्यों करते हैं। अच्छा। अब बताइए साहब, साइकिल आतंकवादी हो गई? अरे प्रधानमंत्री जी, आपको हिंदुस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए।
अच्छा। जो आज आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं हाँ। इस देश के जो शहीद लोग थे हाँ। यही एचआरए का सबसे बड़ा कमांडर हाँ। चंद्रशेखर आजाद जब अपनी तारीखी अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे कंपनी बाग इलाहाबाद में तो साइकिल पे सवार होके गए थे, बुलबुल पे सवार होके नहीं जी। तो आप साइकिल पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मतलब क्या है? गांव गरीब किसान आधी आबादी अकलियत साइकिल से चलती है। अरे साइकिल एक वैज्ञानिक चेतना और मानवतावाद का परचम लेके आती है, उसके गति विज्ञान में सामाजिक न्याय समाजवाद अंकुरित होता है, उससे एक वृक्ष का आकार मिल गया है तो उसकी छाया में आप साइकिल को आतंकवादी कह देंगे तो हम भी आरोप लगा दें कि भाई ये तो साइकिल को आतंकवादी बात तो कभी खत्म ही नहीं होती। हो गया, तरुण मसीह व्यवस्था बोलेंगे। इनको याद आ रही है जो साइकिल के लिए खींचतान मंच पे हुई थी, जो जूतों का इजहार हुआ था वो उनको याद आ रहा है। राजनाथ सिंह दत्तोपाध्याय साइकिल हो गया, बात आ गई अपने गरीबी का भाई भाई हो गया। मुझे पता है बहुत दर्द है, सबको दर्द है, ठीक है। तरुणमा जी अपनी बात पूरी करिए। केजरीवाल जी तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री की शिक्षा पे भी बात कर दी है और बता दिया है कि बिल्कुल गलत हुआ है और बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आपकी क्या राय है और कांग्रेस को यहाँ पर कितना नुकसान होगा? तरुणमा जी, जी देखिए वॉशिंग मशीन पार्टी जो है आजकल लोकतंत्र और जनतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। अब ये वॉशिंग मशीन इतनी तेजी से चला रहे हैं कि जो इसमें फंस जाता है वो धुल के निकल जाता है और जो नहीं फंस रहा है उस पे वो केस दर्ज कर देते हैं, उनको सजा सुना देते हैं, उनको हटा देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी का एक मैटर इसी में आ रहा है। राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई, अब मोदी जी को कुछ बोल ही नहीं सकते इस देश में, प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं सकते इस देश में। अभी मोदी जी का वो राहुल जी का मामला देख लीजिए और अभी दिल्ली में देखिए, हमने मोदी हटाओ देश बचाओ नारा लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिए तो 138 लोगों पर हमारी पार्टी के FIR दर्ज कर दिया। FIR दर्ज कर दिया उसके बाद। अब देखिए कितना बड़ा मोदी जी के बैनर हटाने के लिए पुलिस वालों से कह दिया और उसके बाद भाजपा वालों ने केजरीवाल हटाओ का पोस्टर लगा दिया। तो ये तो देखिए छीटा कसी ये सब पार्टियों में चलती रहती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन इस द्वेष भावना से, इस घमंड में, इस तानाशाही से अच्छा। ये FIR दर्ज करा देंगे हाँ। लोगों को सजा सुनाते रहेंगे अच्छा। विपक्षियों को डराने का काम करेंगे, जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये लोकतंत्र और जनतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं अच्छा। ऐसी वॉशिंग मशीन चला रखी है इन्होंने, इतनी द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। अब मोदी जी है, मोदी जी को समझ ही नहीं आ रहा कि 2024 का चुनाव जीता कैसे जाए। तो वो ये चाहते हैं कि सारे विपक्षियों पर कोई ना कोई मामलों से केस से फंसा दिया जाए, कोई ना कोई चाहे सीबीआई के साथ या ईडी के साथ या कोर्ट को लेकर। अब देखिए राहुल जी को जो सजा सुनाई गई, हम कानून का बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप देखिए जो जिस सूरत में, जिस गुजरात में उन्हें सजा सुनाई गई है, उसी गुजरात में बिल्किस बानो के 10 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया वहां पर। तो ये बड़ा दुविधा वाली बात है, बड़ा हास्यपद इस देश में हास्य चल रहा है। जिसको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है इस देश में, तानाशाही चल रही है। एक्चुअली मोदी जी ने हिटलर की किताब पढ़ ली है अच्छा। उनकी जीवनी पढ़ ली है और वो उससे उसी के हिसाब से इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं अच्छा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये देश हिंदुस्तान है, ये जर्मनी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने घर बर्बाद कर लिए, फांसी चढ़ गए। ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये मोदी जी इसमें तानाशाही नहीं चला पाएंगे। इतना एक समय के साथ देखिए इस देश में बदलाव आएगा जी। और 2024 में जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ये जनता तक पूरी बात पहुंच रही है और जनता भी अब इनके विरोध में सड़कों पे उतरेगी। अभी तो सिर्फ विपक्ष उतरी है अच्छा। अभी जनता भी उतरेगी, आप 2024 आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। दिलीप भाई आपका विश्लेषण क्या बोलता है? यहाँ नुकसान तो हुआ है। नहीं, नुकसान निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस का ही नहीं, पूरे विपक्ष का जो है नुकसान हुआ है अच्छा। क्योंकि पूरे विपक्ष में कौन-कौन है? पूरे विपक्ष में जो है सारी पार्टियां हैं। सपा तो अलग हो गई है, सपा ममता बनर्जी एमके स्टालिन और ये अलग व्यवस्था चल रही है। नहीं, सबकी अलग व्यवस्था चल रही है। एक जो है केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है, उस सरकार के
विपक्ष में बैठने वाले जितने लोग हैं सभी का नुकसान है। नुकसान इस बात से है कि जो है जो अभिव्यक्ति की आजादी है, मान लीजिए जो है उन्होंने कुछ कहा है जी, जो उनको जो है राहुल गांधी जी को जो है सजा मिला, इसके बाद सदस्यता जो है इतना उतावलेपन में जो है खत्म करना, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या 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 रही करना है? चाहिए, कर देना चाहिए, लेट करना चाहिए, जल्दी कर नहीं लेट क्या और मामलों में जो है लेट, अभी जो है जयप्रकाश भाई ने यही बात हो जाए उसके बाद। अरे केसी भाई बीच में तो ये आपकी यही दिक्कत है, मेरे साथ आप उलझ जाते हैं, उलझिए तो जो है पार्टी वालों के साथ उलझिए ना भाई। यही दर्द आप कहते हैं आपको मालूम है दिलीप जी? अरे दिलीप जी आपको मालूम है? अरे सुन लीजिए मेरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बोलने नहीं दे रहे हैं तो राजनीतिक विश्लेषक की क्या औकात है कि वो बोल पाए आपके साथ? बोलिए बोलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के महोदय सिन्हा सिंह, ये आप ही के नहीं सारे भारतीय जनता पार्टी के जो है जितने भी नेता है, प्रवक्ता है या माननीय नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, सभी जो है बोलने देना नहीं चाहते। जब हम आपसे जो है कह नहीं सकते तो इसका मतलब ये देश तानाशाही की तरफ चल रहा है। आप पूरी तरह से जो है हमें विपक्ष की भूमिका में आने दे रहे हैं, विश्लेषण करने ही नहीं दे रहे हैं आप कभी नहीं करने देंगे। आप जो है जो आपकी मंशा है वो पूरी तरह से जो है दिखाई दे रही है कि ये देश जो है संविधान विहीन हो चुका है, जिसको आप मानने वाले लोग नहीं है। आप सभी को डरा धमका के ऐसे ही राहुल गांधी की तरह विपक्ष की जो है जो जनता की आवाज, अगर एक राजनीतिक विश्लेषक होगा, पत्रकार होगा या जो है विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कोई भी शख्स होगा, उनको आप जेलों में डालेंगे, उनपे ताला लगाएंगे, उनको घरों में कैद कर देंगे। आपकी मंशा यही है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं महोदय, सुनना नहीं चाहते। आप जो है नहीं क्या सुनेंगे आपकी? अरे सुने फिर नहीं सुनेंगे आप? खत्म हो गया, दिक्कत है लोकतंत्र, लोकतंत्र ही नहीं है। आप जैसे लोग इस देश में लोकतंत्र कभी सुन ही नहीं सकती है जी। दिक्कत इस बात की है, इस तरह मत व्यवस्था बनाए रखिए। आपको हमने सुना, बड़ी संजीदगी से सुना, जेपी भाई भी ने अपनी बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, आपके प्रवक्ता ने। अगर मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठा हुआ हूँ तो मैं आपकी भी कमियां अच्छाइयां उजागर करूंगा, साथ में विपक्ष के लोगों का भी वो करूंगा कि जो है सच का आईना क्या है। आप लोग अपने अपने मन की बातें कहेंगे, ठीक है कहिए, लेकिन हमें तो जो है निष्पक्ष होने दीजिए। अरे सबसे बड़ा प्रवक्ता बन के तो आप ही बोलते हैं विपक्ष, यही तो दिक्कत है। आप किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को आपसे बड़ी अपेक्षा है, आपसे बड़ी अपेक्षा, आप सुने देखिए। अरे बंदर बहुत है हमारे वहाँ पे, चले बंदर बंदर हिला देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। आप दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं केसी भाई, जो है ये परिपाटी कब बंद होगा? अच्छा जो परिपाटी चल रहा है 2014 से, क्या करे परिपाटी? बंदर आ गए तो उनका क्या दोष? जी लाइट आ गई, बात सही, बंदर आ गए तो उनका क्या दोष है? 2014 से जो है जी गौरव जी, केसी भाई अंधेरे में आप भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, ऐसा अंधेरा मत बनाइए कि भारत की तस्वीर खराब हो जाए, ये समझिए। नहीं देश की जनता ऐसा हिलाएगी, ऐसा दूर फेंकेगी कि आप अंधेरे में ही रहेंगे, माफ करिएगा, लेकिन अंधेरे से देश को बचाना है। कांग्रेस पार्टी दिया जलाए, देखिए जो है तो रोशन कर दिया भाई। केसी भाई, केसी भाई देखिए, ये जो परपार्टी चल रहा है, ये परपार्टी आप ही को बंद करना है। अच्छा क्यों? उतावलापन किसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा और कांग्रेस पार्टी, अरे वो बंद करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से जो है चल रही है, निश्चित तौर में 2024 में आपके आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके पूरे संघ को, आपके पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन है, सभी को डर लगने लगा है। इस वजह से आनंद फानन में आप ये काम कर रहे हैं, ये कृत्य कर रहे हैं और सब जो है जो भी मैं कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा, और भी जो है जो येदुरप्पा हो गए, राणे हो गए, ऐसे शारदा चिट फंड वाले हो गए,
इन सब पे जो है कार्रवाई आप ही किसी भी ईडी जो है छापे मारती है, उनको केस जो है फाइल करती है, चार्जशीट आपके पास आ गए, वो खाली हो गए, साफ हो गए। ऐसा न करिए, ये परपार्टी जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंदा है। और आने वाले नस्लें जी, आपकी भी नस्लें होंगे साहब, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माननीय मोदी जी की भी नस्लें हैं और भारतीय जनता पार्टी की नस्लें हैं। खास तौर पे केसी साहब, आप भी बहुत छोटे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप एक छोटे कार्यकर्ता है, बड़ी चीजें हैं, आप भी जनमानस में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका भी चलना दूभर हो जाए, यही पार्टी आपके लिए ऐसे हथकंडे अपना देगी कि पूरी की पूरी जो है बिसात आपकी फेल हो जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, फिलहाल वो अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है, आपकी खुश हो गए बोल करके की सदस्यता नहीं जाएगी, अभी फिलहाल किसी सदन की सदस्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इसीलिए तो कहते हैं भाई आप बड़े नाराज हो रहे हैं, इसीलिए देखिए नाराज तो बिल्कुल जो लोकतंत्र प्रेमी है, संविधान का आदर करता है, भारत की एक बेहतर सुंदर तस्वीर गौरव के साथ मन में लेके चलता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, उसका चेहरा बिगाड़ने की बात होती है, हाँ। तो बड़े स्वाभाविक तौर से नाराजगी उभर जाती है। अच्छा। लेकिन हम हैरान हैं कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी किस हद तक ये बैमनस की राजनीति, ये विपक्ष को दबाने की राजनीति, और किसी जैन साहब से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस देश का प्रधानमंत्री बड़े मुखर तरीके से सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस मुक्त विपक्ष मुक्त की बात करे, तो उसकी नीति, उसका मंशा, उसका ईक्यू आईक्यू आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अब केसी जैन को या पूरी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के जानकारों को इस बयान के बाद कुछ बोलने के लिए बचता तो नहीं है, लेकिन चूंकि रस्म अदायगी के लिए इनको बोलना है, तो जो जो प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को दमन के तहत, दबाव के तहत, लोकतंत्र का स्वर बनने के लिए, लोक स्वर को आवाज देने के लिए जिन नेताओं ने इन विपरीत परिस्थिति में इनसे डट के मुकाबला करने का काम किया, उस दबी कुचली उपेक्षित आवाजों को जिनको प्रधानमंत्री जी सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, उन तक अपनी, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी भी वास्तविक व्यवहारिक स्थिति क्या है, और जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर बनती है जो भी बेहतर कर सके, बड़े संवैधानिक नीतिगत तरीके से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए, तो प्रधानमंत्री जी को ये सब अखरता है। अच्छा, अखर रहा वो, उनको उनको डर लगता है, डर लगता ये सवाल आ जाएंगे। देखिए सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, नहीं सवाल से बचना है, सवाल से बचना, सवाल से बचना। एक मनबढ़ व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति कहना नहीं चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है, देश की जनता ने बनाया है। अच्छा। लेकिन देश की जनता ने भावावेश में हाँ। वो स्मार्ट सिटी हाँ। वो युग पुरुष, वो युग प्रवर्तक की बातें सुन के हाँ। लेकिन आज उसको केवल छला गया है, कुछ नहीं मिला। अच्छा। जब इनके पास इनके ही बयानों को आधार बनाते हुए कहा जाता है, आपने ये कहा था, आप जन सरोकार के मुद्दे को किस प्रकार से एड्रेस कर रहे हैं, कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, नीतिगत तरीके से उसका कैसे निस्तारण करने का काम कर रहे हैं, भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, भारत के स्किल्ड अनस्किल्ड बेरोजगार को कैसे रोजगार देने के लिए आपकी क्या नीति है, तो इनको दर्द होता है, ये सवाल से घबराते, इसलिए इनके प्रकार व्यक्तिगत अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करते हुए ये इस हद तक चले जाएंगे कि ये भूल जाते हैं इसमें अगर कलंकित होगा तो लोकतंत्र होगा। अच्छा। इसमें जो लोकतांत्रिक मूल्यों को हम जीते हुए बहुत विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से अपनी ऊर्जा, अपनी स्पिरिट बनाते लेके आए हैं, ये कहते हैं पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को अपमानित करने का काम करते हैं, घोर अपमानित। अच्छा। इस प्रकार का अगर आचरण तब के नेताओं ने किया होता तो आज केसी जैन, इनकी पार्टी और प्रधानमंत्री जी की ये हस्ती और हैसियत नहीं होती, ये हस्ती और हैसियत नहीं होती कि इस प्रकार से बात करते, तो इनको ये समझना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं गौरव जी, भारत की आम जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप उसके पहरेदारी करेंगे, आप उसके आजादी, उसके स्वतंत्रता में दखल देंगे, आप उसके फंडामेंटल राइट्स का इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे, क्योंकि आप पद पे हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, क्योंकि संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, फोर्स आपके पास है, चाणक के नाम पे आप पर चापलूसों की फौज है। अच्छा। आप मिथ्या प्रचार के माध्यम से जो वास्तविक स्थिति है उसको नहीं दिखा के एक बनावटी पन पेश करेंगे, देश की जनता भूलने वाली नहीं है, इनको माफ नहीं करेगी। इन्होंने जो जो
कुठाराघात किया है, जो हृदयाघात किया है देश की जनता, देश की आवाज बनने वालों के ऊपर, ये सब इनको कई गुना वापस मिलेगा। ठीक, और ये ठीक, एक बार जाएंगे तो कभी वापस दूर दूर तक नहीं आएंगे। भाई वापस नहीं आएंगे आप लोग, कहां से वापस नहीं आएंगे? देखिए जितनी बातें अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कही जी, गौरव जी अगर आप उस पर ध्यान दीजिए, जरा सा क्यों परिवर्तन कर दीजिए कि वो सारी की सारी बातें राहुल गांधी जी पर ला जी। अच्छा, सेकंड नंबर का कोई नेता नहीं पार्टी में। अच्छा, पार्टी में जो कह रहे हैं कोई नेता है ही नहीं, केवल चाणक्य कहते हैं, कोई चाणक्य नीति नहीं है। नेता ही मीटिंग कर रहे हैं आईसीसी हेडक्वार्टर में। अब सुन लीजिए, मैंने सब बहुत देर तक आप बोले, मैं जो है घड़ी की सुई भी देख रहा था, विचलित होता है जब आप ऐसे हरकत करते हैं। सात मिनट तक आप बोले हैं और मैं सुना हूँ, टाइम देखते हैं क्या किसी भाई। दो मिनट बोलने दीजिए। अच्छा अच्छा बोल लीजिए, दो मिनट बोलने दीजिए। बोले बोले बोले, जिसको ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी कौन है, टिप्पणी कौन कर रहा है जी, किसकी पार्टी में नेता नहीं बचे हैं जी, किसको जनता ने स्वीकार किया है जी, ये सारी बातें किसकी तरफ इंगित होती हैं, किसकी तरफ ये सारी उंगलियां उठती हैं जी। जितनी बातें और जितना महिमा मंडन कर जा कर ले जा रहे हैं अपने राहुल गांधी जी का जी, अरे भ्रष्टाचारी कौन और संविधान पे उंगली कौन उठा रहा है जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उंगली कौन उठा रहा है जी, न्यायपालिका पे उंगली कौन उठा रहा है जी, गलत किसने बोला जी, सारी चीजों पे आप मिट्टी डालेंगे मिट्टी पड़ जाएगी जी। और जो चीज आपने लास्ट में कही कि जनता इसका जवाब देगी, जनता तो आपको लगातार जवाब दे रही है, जनता आपको हर चुनाव में जवाब दे रही है, तब आप कह रहे नहीं आपने जनता को बरगलाया। अरे आप तो 70 सालों तक गरीबी हटाते रहे और गरीबी नहीं हट पाई, गरीबों को आपने हटा दिया जरूर। अच्छा, 12,000 किसान 10 साल तक केवल और केवल मनमोहन सिंह जी की सरकार में 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा और किसान को आप खुशहाल बनाते रहे। आज माननीय मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो सारी तस्वीरें पाक साफ है। कांग्रेस के राजीव गांधी जी तो किसानों को आपने अंबानी बना दिया, 1 रुपया अड़ानी बना दिया, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते। केसी भाई, केसी भाई एक चीज बताइएगा, किसान जो है 12,000 कांग्रेस में मरते थे, कम से कम डाटा मिलता था, और आपके सरकार में 20,000 मर जाते हैं, डाटा कहाँ है? आप तो डाटा तो पे डाटा से ही तो खेल लेते हैं, सारे डेटा जो है आप गायब कर देते हैं। बोलिए बोलिए, ये चोरी नहीं चलेगी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, चोरी नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं नहीं, हमें आप बोलो, सपा के रहता आपने एक शब्द नहीं कहा राहुल गांधी जी के बारे में। पूरी डिबेट उठा के देखिएगा गौरव जी की, गौरव जी की प्राइम टाइम की डिबेट पूरी उठा के देखिएगा। दिलीप जी मैं चैलेंज करता हूँ आपको, एक शब्द आपने ये नहीं कहा, एक भी एक बार भी आपने पूरे डिबेट जो राहुल गांधी जी के ऊपर है, उनकी सजा के ऊपर है, उनकी बर्खास्तगी के ऊपर है, आपने एक टिप्पणी की जी। आप कैसे विश्लेषण? मैं सुनिए, मैं ये नहीं पूछा आपसे, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये नहीं पूछा। सुनिए, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं पूछा मैं, और आपसे ये नहीं पूछा कि टोटी चोर कौन है। यादव और मुसलमानों के नाम पे जो है समाजवादी पार्टी का जो है आपने जो है इस स्तर पे जो है ला दिया कि जो है हिंदू मतलब मुसलमानों और अहिरों की पार्टी हो गई। आपसे ये नहीं पूछा महोदय, आपसे पूछने पे आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। दरअसल ये है, इसको जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के भाई ने, कांग्रेस के साथी ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। आप बोले से मुझे आपके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी, बोले बोले, लेकिन आपने इतना बोला मुझे इतनी टिप्पणी आपके ऊपर करनी पड़ गई। देखिए जितनी बातें कह रहे हैं, देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मैं फिर वही बात कहता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर संविधान से ऊपर नहीं जी। प्रधानमंत्री के ऊपर भी अगर कोई मामला बनता है तो उस पर भी संवैधानिक कार्रवाई होगी। तमाम सारे लोगों पर अभियोग महाभियोग भी चलते हैं। यहाँ पे न्यायपालिका का जो सीजीए बैठा हुआ है वो भी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उससे बंधा हुआ है। भारत देश का संविधान सर्वोपरि है और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कार्य करते। न्यायपालिका ने इनको सजा दी, 5 साल तक ये मुकदमा लड़ते रहे, उसके बाद में सजा हुई है, उसके बाद में मोदी जी को दोष देना, मोदी जी ने सजा करा दी, मोदी जी ने बोलती बंद कर रखी है, मोदी जी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर बनेगा, अब वो लोकतंत्र खतरे में आ गया, तो वही बात हो गई जो अभी तक कहते आ रहे हैं। कोई नई बात आप थोड़ा ना कह रहे, और आगे फिर कुछ होगा कांग्रेस के खिलाफ, फिर यही सारी बातें होगी, लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका काम नहीं कर रही है,
विधायक का कोई मतलब नहीं है, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, बरगला करके वोट ले रहे हैं, केवल यही चार पांच बातें विपक्ष के पास में है। अरे आपने जो गलती की है उसकी आपको सजा मिलेगी। कैसे भाई, हो गया, और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और आगे भी आपको मौका है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप प्रमाण के लिए सजा पा जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बरी हो जाए, बिल्कुल ये न्यायपालिका तय करेगा। और अधिवक्ता किस लिए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए, सुप्रीम कोर्ट इसलिए है ना। अगर आपको लगता है अभी हमारे जयप्रकाश पांडे जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि किस तरीके से जुडिशरी ने वहां पर काम किया, इसमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं, अगर उनका विश्लेषण पढ़े हैं, विश्लेषण सुने हैं, तो ऐसा लगता है कि आगे इनको मानते हैं ना, मानते हैं विपक्ष में लोग कहने वाले हैं, उनकी बात चीज से लगता है जयप्रकाश पांडे बरी हो जाए तो अच्छी बात है। उसमें भी जयप्रकाश जी ने जो विश्लेषण किया कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं, तो इन्होंने भी उस ऑर्डर को पढ़ा होगा, उस प्रक्रिया को समझा होगा, ठीक है ठीक है, यही सारी चीजें लेके कांग्रेस जाए। हो गया, हो गया, हो गया, लेकिन लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक बात मैं कहूंगा लास्ट में, चले ठीक है, हो गया, न्यायपालिका पे जयप्रकाश पांडे बोले, हो गया, ये गलत, हो गया, जयप्रकाश पांडे, न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे बोलिए जयप्रकाश भाई, ये गलत, आप सहमत हो गए किसी, बोलिए नहीं, सहमति देखिए ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, असहमति पे सामान्य सहमति बनती है, कि आप हमसे असहमत हो सकते हैं लेकिन आपकी असहमति का मतलब नहीं है कि भारत से आप असहमत हैं। दूसरा कहिए कि चूंकि लीगल एंगल पे तो बात हो ही चुकी है जिसकी चर्चा की जा रही थी कि अगर ये होता है तो क्या होगा, तो देखिए पॉलिटिकली अगर भारत का मिजाज देखा जाए तो जो जाने अनजाने में, ये तो सबको मालूम है कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका से ही हुआ है, लेकिन संयोग का क्या कहेंगे कि अभी चूंकि जैसे सदन में जो माहौल था, अब वो निश्चित रूप से इसी खास मुद्दे पे, अडानी जी के खास मुद्दे पे जिस तरह से सदन में, वो भी सत्ता पक्ष भी माफी मांगने पर अडिग था, तो सदन में गतिरोध चल रहा था, अब उनकी संयोग से सदस्यता चली गई, तो ये आप जान लीजिए कि ये अनजाने में ही होगा। इस देश में मार्क टूली जब पूरी पत्रकारिता के बाद संन्यास लेके भारत में ही रहते हैं, बीबीसी के बड़े चर्चित पत्रकार रहे हैं, तो उनसे ये पूछा गया था कि भारत को आप समझे हैं, यहाँ संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ अगर सहानुभूति वाला जो मसला होता है या अफवाहों का जो मसला होता है वो इतने तेज गति से फैलता है, तो ये बात तो निश्चित मानिए कि भाजपा के कौटिल्य से चूक हो गई है। अच्छा। चूक ये हो गई है कि वो आप भले राजकुमार कहिए लेकिन आज वो प्रतिपक्ष में है, और स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, मुद्दे अलग हैं भाई, सिसोदिया जी अलग मुद्दे पे गए हैं, लालू जी का परिवार अलग गया है, हमारी पार्टी के लोग हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग जेल में हैं, और सुन लीजिए भाई साहब, अरे सुन लीजिए, इसी राहुल गांधी के पिताजी, सुनिए इसी, अरे इसी राहुल गांधी के पिताजी को सदन में कहा जाता था गली गली में चोर है राजीव गांधी, अरे गली गली में चोर है राजीव गांधी चोर है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें चोर कहा जा रहा। तो आप ये जान लीजिए कि आप जो ये कारनामा कर दिए हैं, ये कांग्रेस को खाद पानी दे दिए हैं, और ये इस देश का मिजाज है, कांग्रेस की आपसे बड़ी चूक हुई है, बनने का काम करेगा, जनता अब खड़ी हो जाएगी, और आप निश्चित रूप से 24 में और जिन सवालों का उत्तर आप दे रहे थे किसानों का, मैं बता दूं, सुनिए, प्रतिदिन 21 किसान आत्महत्या कर रहा है, 2300 किसान भूमिहीन हो रहा है, 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, 27 रुपया दैनिक आमदनी पे वो गुजारा कर रहा है, तो किसानों का गांव बड़ा हरा भरा नहीं है सरकार, किसानों की दशा और खराब हुई है, ठीक है प्रवक्ता बोले, इतनी खराब हुई है, कितनी अच्छी है, 12,70,000 ये 12,70,000 करोड़ कर्जा है, इतना ही कर्जा है, इतना ले लीजिए मुझे, और ये किसानों की बात करते हैं, हो गया, हो गया, बात आ गई, महिला की आवाज तो दबाए, कैसी भाई सुन लीजिए, कर्मा बोल रही है, कोर्ट ने सजा सुनाई तो कितनी जल्दी बाजी की, एक दिन के अंदर सदस्यता भी रद्द कर दी राहुल गांधी जी की, लेकिन दिनों से जेपीसी की मांग कर रहा है अडानी के ऊपर, मोदी जी की पूरी पार्टी और मोदी जी कितने सारे बैठे हैं, टेप लगाकर बैठे हैं, क्योंकि पता नहीं अडानी से क्या ऐसा दोस्ती है, या अडानी पूरा खर्चा भाजपा का उठाते हैं, पैसा कहाँ जाता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है, टीवी पे बैठकर विपक्ष टीवी पे बैठकर भ्रष्टाचार खोलवाया,
कितने मंत्री आपके जेल जा चुके हैं, वो कितने मंत्रालय उनको लगता है मैं इस देश का राजा हूँ और मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं उन्हें जेल में डाल दूंगा या फांसी चढ़ा दूंगा। तो ये देश जो है द्वेष भावना से नहीं चलेगा, ये देश जो है प्रेम से और सद्भाव से चलने वाला देश है। अब मोदी हटाओ का नारा इस देश में गूंजेगा और देश बचाने का नारा इस देश में गूंजेगा, क्योंकि मोदी हटेंगे तभी देश बचेगा, तभी यहाँ पर युवा बचेंगे, तभी यहाँ पर ज्यादा मंत्री, तभी यहाँ पर संसद बचेगा, तभी यहाँ पर संविधान बचेगा। इसलिए एक तरफ तो ये कहते हैं हमारा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हम कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद में जब ये इतना बोलते बोलने भी देते हैं, ये भी मोदी जी से क्लास लेकर आए हैं लगता है, जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा थी राहुल गांधी जिस तरह से यहाँ सजा हुई है, सजा के बाद यहाँ बात हुई है सदस्यता को लेकर, सदस्यता रद्द हो गई और फिलहाल मान हानि के बाद कांग्रेस को हानि हुई है। अब ये हानि कितनी घातक होने वाली है, 24 चुनाव में इस हानि का कितना नुकसान होगा, या वास्तव में अपील के बाद जो उच्च कोर्ट है, जो अपर कोर्ट है, वो इस पर कोई सुनवाई करेगी, हो सकता है दो सिद्धि ना भी हो और बरी भी कर दिए जाए। फिलहाल ये सारी बातें, ये सारा निष्कर्ष भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात स्पष्ट है कि देश का लोकतंत्र में जो आजकल का घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अब राजनीति आपको दूसरे स्तर पर करनी पड़ेगी, अब राजनीति आपको दूसरी व्यवस्थाओं से करनी पड़ेगी, अब राजनीति के लिए आपको तमाम तरह का व्यवस्थाओं के साथ चलना पड़ेगा, अब राजनीति इतनी आसान नहीं है जो कभी होती थी। फिलहाल आज की चर्चा पर केवल एक ही बात कहूंगा कि जमीन जल गई आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको संघर्ष करना है या अगर आपको आगे बढ़ना है या अगर आपको जनता के बीच लड़ना है तो उसके लिए किसी कुर्सी का अफसोस क्यों, लड़िए संघर्ष करिए धरातल पर, कुर्सी की आवश्यकता उन्हें होती है जो केवल बैठकर राजनीति करना चाहते हैं।